हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। तो क्या है यह नया स्पेशल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट और क्या इंटरेस्ट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है ये स्कीम में अपने कस्टमर को बैंक ऑफ इंडिया, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू स्पेशल एफडी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो स्कीम का नाम है शुभ आरंभ फिक्स डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है ये अप्रैल से लागू है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैच्योरिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनुअलाइज्ड यील्ड। तो मैच्योरिटी में आप लोग देख सकते हो 501 डेज का ये एप्लीकेबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.15% है और एनुअलाइज्ड यील्ड जो है 7.3% यहाँ पे आप लोग को मिल जाने वाला है। तो ये जो था ये नॉर्मल सिटीजन के लिए था, और अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो ठीक है तो यहाँ पे 0.5% आप लोग को एक्स्ट्रा ऐड करना है, दैट इज 7.65% यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग सुपर सीनियर सिटीजन हो देन यहाँ पे आप लोग को ऐड करना है 0.50 + 0.15%, डेट इज 0.65%। ठीक है, और टोटल मिला के 7.80% यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा ये स्कीम में। ठीक है, शुभ आरंभ एफडी। ठीक है, और ये जो है ये एप्लीकेबल है फॉर 501 डेज के लिए, और ये जो है लेस देन 2 करोड़ के लिए एप्लीकेबल है, उससे ज़्यादा आप लोग ये स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एफडी कैलकुलेशन के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया एफडी मैच्योरिटी कैलकुलेशन। तो अमाउंट जो है 501 डेज के लिए एप्लीकेबल है ये स्कीम। ठीक है, और नॉर्मल सिटीजन को 7.15%, सीनियर सिटीजन को 7.65% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.80%। सीनियर सिटीजन जो है अबव 60 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, और सुपर सीनियर सिटीजन अबव 80 ईयर्स, तभी जाके आप लोग ये स्कीम में एप्लीकेबल हो। ठीक है, अगर आप लोग 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 11,025, सीनियर सिटीजन को 11,100 और सुपर सीनियर सिटीजन को 11,122 रुपीस मिल जाएगा। अगर आप लोग 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 55,126, सीनियर सिटीजन को 55,500 और सुपर सीनियर सिटीजन को 55,612 रुपीस मिल जाएगा। अगर आप लोग 1,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 1,10,252 और सीनियर सिटीजन को 1,11,000 यहाँ पे मिल जाएगा और सुपर सीनियर सिटीजन को 1,11,225 मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 2,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सिटीजन को 2,20,504 रुपीज़, सीनियर सिटीजन को 2,22,000 मिल जाने वाला है और सुपर सीनियर सिटीजन को 2,22,451 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आप लोग 3,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 3,30,757 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन को 3,33,001 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन को 3,33,676 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आप लोग 4,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 4,41,009 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन को 4,44,001 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन को 4,44,902 रुपीज़। अगर आप लोग 5,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 5,51,262 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन को 5,58,002 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन को 5,56,128 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 7,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सिटीजन को 7,71,766 रुपीज़ मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन को 7,77,002 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन को 7,78,579 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 10,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 11,25,024 रुपीज़ मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन को 11,10,004 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन को 11,12,256 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 15,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन को 16,53,786 रुपीज़ मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन को 16,65,006 रुपीज़ और सुपर सीनियर सिटीजन को 16,68,384 रुपीज़ मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 20,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सिटीजन को 22,50,148 रुपीज़ मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन को 22,20,008 रुपीज़ मिल जाएगा और सुपर सीनियर सिटीजन को 22,24,512 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अपने अमाउंट के ऊपर जाना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन में मेरे को पिन कर सकते हो आप लोग, मैं वो अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन करके आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, सो दैट आप लोग अपने अमाउंट के ऊपर एफडी कर सकते हो। तो ये था बैंक ऑफ इंडिया का न्यू एफडी स्कीम के बारे में, शुभ आरंभ एफडी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।